दोस्तों आज की कहानी है, अरे बहू क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह, सोने दो ना रोहन को थोड़ी देर और। रिया की सासू माँ पूजा करते करते पोते के कमरे में आ गई। स्कूल न जाने के लिए बहाने बना रहा है माँ जी, उठ ही नहीं रहा है। रिया ने अपने बेटे की शिकायत करते हुए कहा, तो ठीक है ना, मत जाने दो, एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, और सोने का मन है तो सोने दो, बिचारा छोटा सा बच्चा ही तो है। रिया की सास ने अपनी पोते का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी जी अभी पिछले हफ्ते ही रोहन ने छुट्टी करी थी, वह भी बस यूं ही, ऐसे हर हफ्ते छुट्टी करता रहेगा तो इसकी आदत गलत पड़ जाएगी। रिया ने रोहन की सदर खींचते हुए बोला, कोई आदत गलत नहीं पड़ेगी, तुम बाहर जाओ और नाश्ते की तैयारी करो, मेरे रोहन को थोड़ी देर और सोने दो। रिया की सास ने बहू को आदेश दिया, स्कूल बस का समय निकल जाने के बाद थोड़ी देर में रोहन उठ कर बैठ गया और सीधे जाकर टीवी देखना शुरू कर दिया। दोपहर में खाने की टेबल पर सभी खाना खाने के लिए एकत्रित हुए। मुझे ये नहीं खाना, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज खाने में पिज्जा खाना है, तो फिर आपने रोटी सब्जी क्यों बनाई, फेंक दीजिए, मुझे नहीं खाना। रोहन खाने की प्लेट हटाते हुए बोला, सूप साफ से जो बना है वह खाओ, अभी दो दिन पहले ही तुमने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में पिज्जा खाया था, दाल सब्जी नहीं खाओगे तो तुम्हारी सेहत कैसे बनेगी, सब्जियां खानी तो बहुत जरूरी हे बेटा। रिया ने अपने 10 साल के बेटे रोहन को समझाते हुए कहा, इसको पिज्जा खाना है तो मंगा दो ना, बच्चे का जो मन करे उसे खाने दो, कम से कम खुशी खुशी तो खाएगा ना। ला बेटा मेरा मोबाइल ला, तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं, रिया की सास ने लाड दिखाते हुए कहा। नहीं माँ जी, इसका तो रोज का है नाटक खाने में, और रोज थोड़ी ना घर में पिज्जा मंगाते रहेंगे, दाल सब्जी खाना भी तो कितना जरूरी है, प्लीज आप ऑर्डर मत करें। रिया ने सास से विनती करते हुए बोला, बहू एक ही तो पोता है मेरा, उस पर लाड नहीं दिखाऊंगी तो कैसे चलेगा, सब सीख जाएगा जब बड़ा होगा, अभी तो छोटा है ना, सास ने बोला और मोबाइल खोलकर ऑर्डर करना शुरू कर दिया। पोते के साथ मिलकर मेरी दादी सबसे अच्छी है, रोहन अपनी दादी से लिपटता हुआ बोला। उसी दिन शाम को रोहन मेरे पर्स में से बिना पूछे पैसे क्यों निकाले तुमने,
तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। रिया ने रोहन को डांटते हुए बोला, मम्मी मुझे किंडर जॉय लाना था, वह आप दिलाती नहीं हो, इसलिए मैंने आपके पर्स में से पैसे निकाले थे। और मैंने ही तो निकाले हैं, क्यों आप इतना गुस्सा हो रही हो? रिया को उल्टा जवाब देते हुए रोहन बोला, अच्छा अब उल्टा जवाब भी देगा, एक तो पहले सॉरी करी और ऊपर से अपनी गलती मानने की बजाय मुझे ही जवाब दे रहा है। रिया गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली, रिया रोहन को उसकी गलती के लिए डांट ही रही थी कि इतने में उसकी सासू माँ कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। क्यों डांट रही हो बहू? फिर से मेरे पोते को? रिया की सास रोहन को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, माँ जी आज तो हद ही कर दी इसने, मेरे पर्स में से पैसे सुराए और पूछ रही हूँ तो उल्टा जवाब दे रहा है। रिया ने गुस्से में बोला, अरे अपने ही माँ की पर्स में से तो पैसे निकाले हैं, किसी बाहर वाले के पर्स में से नहीं, तो ये भला सॉरी कैसे हुई? और बहू एक बात बता, एक ही बेटा है तुम्हारा, उसे भी हर समय डरती रहती हो। चल आ बेटा, हम दोनों बाहर बैठकर टीवी देखेंगे एक साथ। रिया की सास ये कहकर रोहन का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर ले गई। ये सब देखकर रिया खुद को बस महसूस करने लगी, ये सोच कर कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा बिगड़ता जा रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रही। दोस्तों बच्चों से लाड़ लड़ाने का किसका मन नहीं करता, और दादा दादी या नाना नानी से तो बच्चों का अलग ही तरह का संबंध होता है। वह कहते हैं ना, असल से ज्यादा प्यारा शुद्ध होता है, मगर ये लाड़ प्यार अगर बच्चों को गलत राह पर ले जाए तो ये बच्चों के भविष्य को खराब भी कर देता है। लाड़ लड़ाने में कोई बुराई नहीं है, मगर सही और गलत में बहुत ही हल्का सा फर्क होता है, जिसे अगर समझ के बच्चों से प्यार जताया जाए तो ही सही होता है। जिस घर में माँ बाप और बच्चों के बीच में बुजुर्ग बोलते हैं, वहाँ बच्चों को और सेह मिलती है। बच्चे सोचते हैं कि एक जगह डांट पड़ेगी तो कोई ना कोई आ ही जाएगा उन्हें बसाने। इससे वह गलती पर गलती दोहराते चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सज्जा का डर खत्म हो जाता है। अति तो हर चीज की ही हानिकारक होती है, भले ही वह प्यार क्यों ना हो। दोस्तों जो बोगी वह पाओगी। बच्चों के आगे हम सभी बड़ों को सोच समझकर बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वह अपने घर में देखते हैं। जब ये देखेंगे
आदि गलत काम पर भी प्रोत्साहन मिल रही है। डांट नहीं तो वह ये गलती अपने भविष्य में भी करते जाएंगे। बुजुर्गों को चाहिए कि अगर उन्हें माँ बाप का डांटना या रोकना टोकना गलत लग रहा है तो बच्चों के सामने नहीं बल्कि अकेले में माँ बाप को समझाए, क्योंकि बच्चों के सामने गलत बात का पक्ष लेने से बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रिया की सास गलत कर रही थी या सही? तो दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।